Hi, my name is Adi Gupta. I am a student of BPH Second Sem GG Bilaspur. So this is the story of my first college trip. Actually, यह trip नहीं एक international conference था, but मेरे लिए कोई trip से कम भी नहीं था. बताता हूँ क्यों. So let's start the story from Koni. तो सुबह के 6 बजे थे और हम और हमारे कुछ दोस्त निकल गए यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम की तरफ. एंड आफ्टर रीचिंग द ऑडिटोरियम हम लोगों ने देखा कि बहुत से क्लासमेट्स और सीनियर्स पहुंचे हुए हैं पहले से ही. फिर हम सभी लोग अपने दोस्तों के साथ बस का वेट करने लगे. एंड आफ्टर सम टाइम्स हम लोगों ने लाइन में खड़े होकर ब्रेकफास्ट लिया और चल दिए बस की तरफ. और फिर बस में बैठकर सभी लोगों ने पहले तो नाश्ता किया. वेट, मेरे बस में जितने लोग हैं उनसे तो मैंने मिलवाया ही नहीं आपको, तो चलिए मिलवाते हैं. फिर हमारी बस चली और शुरू हुई मस्ती टाइम. ये ले भाई सारा जमाना हसीनों का दीवाना. अब बारी थी शायरी की. कुछ देर बाद हमारी बस रुकी एक ढाबे पे फ्रेश होने के लिए. सभी लोग यहाँ पे फ्रेश होने आए हुए हैं. फिर उसके बाद मस्ती करते करते आ गए हम लोग पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम. तो ये रहा रायपुर का ऑडिटोरियम. तो शिवम रिव्यू का टाइम है तो रिव्यू दीजिए. आपको यहाँ पे रायपुर में पहली बार आ रहे हो तुम, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है. अभी तो बस से आके उतरे हैं. अब और क्या बताएं, अभी तो घूमे, अभी किसी दिन आना पड़ेगा घूमने के लिए, पूरा रायपुर को देखने के लिए कैसा है. वैसे तो अभी ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम बहुत ही ब्यूटीफुल है. यहाँ पे नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ का. तो अभी हम लोग ऑडिटोरियम के ठीक सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पे व्यूज का इंजॉय कर रहे हैं. तो कुछ बोलना चाहोगे विजय? नहीं सर, बस इतना बोलना चाहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके. पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ रायपुर में आकर के, मतलब हाँ कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिला है यहाँ पे. और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर तो घूम रहा हूँ, मतलब उसमें वहाँ तो रह ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पहली बार आया हूँ. मैं भी फ्यूचर में कभी आ सकूँ तो यहाँ पे तो अच्छे खासे वीडियोज बनाया जाएगा. तो अंदर से बुलावा आ चुका है और हम सब लोग जा रहे हैं अब. और फिर चले गए अंदर जो कि कुछ ऐसा दिखता था.
फिर सभी लोग अपनी सीट पर बैठे और प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। जहाँ इंडोनेशिया और वियतनाम के एम्बेसडर भी आए हुए थे और बहुत सारे कंट्री के भी लोग आए हुए थे। फिर कुछ देर प्रोग्राम देखा एंड आफ्टर दैट हम चले गए खाना खाने के लिए। तो अभी खत्म हो चुकी है प्रोग्राम। तो तुम्हें मजा आया इसमें? सीखने को आया, सीखने को भी मिला बहुत कुछ। बताओ तुमने क्या क्या सीखा आज? हमने कुछ नहीं सीखा, हमको कुछ नहीं पता। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। अरे यार, अम्मा से बोले खाना खाओ। मैडम इधर मित्र सुखोदन, इधर आओ। प्रकाश लौंडे ले। वैसे कैसे खा ले? विनोद खाना खत्म होने के बाद सभी लोग अब जा रहे हैं अपने अपने बस में बैठने के लिए और बस से अब सीधे चले जाएंगे अपने यूनिवर्सिटी में। तो ये पूरा ओवरऑल व्यू। उसके बाद थोड़ी देर मस्ती करने के बाद बस में आ गए और वहाँ से चल दिए अपने यूनिवर्सिटी की तरफ। वेट, अभी ये ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 3 दिन का था। तो पहला दिन तो रायपुर में हो गया, अब दूसरे दिन आपको लेके चलते हैं हम अपने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में। वेयर आई सॉ द कल्चरल प्रोग्राम ऑफ छत्तीसगढ़।
फिर वहाँ हमने खूब इंजॉय किया। और इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। और अच्छा लगा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।